नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि धारा 188 क्या है। धारा 188 काफ़ी प्रचलित हुई है। इधर जब से कोविड चल रहा है, जब से यह लॉकडाउन चल रहा है, तब से काफ़ी ये प्रचलन में है और काफ़ी लोगों पे इस्तेमाल की गई है। तो धारा 188 यह कहती है कि किसी भी लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित किसी आदेश की अवज्ञा करना, डिस ओबीडियंस करना। यानी किसी लोक सेवक जरा मान लीजिए जिले का जिला अधिकारी है, वह कोई ऐसा आदेश देता है और उस आदेश को उसके अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा पालन कराने में किसी व्यक्ति द्वारा कोई बाधा पहुंचाई जाती है, जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है, ऐसे में यह धारा उस व्यक्ति के ऊपर 188 लगा दी जाती है। 188 धारा में 1 साल का जेल यानी 1 साल का कारावास है और जिसमें 200 रुपये तक के जुर्माने हैं या दोनों हो सकते हैं। वहीं पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई काम किया जाता है जैसे किसी मानव जीवन और स्वास्थ्य या उसके क्षेम को संकट कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखता हो या बलवा या दंगा कारित करता हो, यानी कोई ऐसा काम जिससे कोई बहुत बड़ा हादसा, दंगा या बलवा हो सकने की संभावना है या कर रहा हो, तो यह धारा लगाई जाती है। वह दोनों में से किसी ऐसा होता है तो वह दोनों में से किसी भी भांत का कारावास हो सकता है, जिसमें 6 महीने तक का कारावास हो सकता है और 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। और इसके साथ अगर महामारी का काल चल रहा है तो उस दरमियान महामारी अधिनियम की जो धाराएं हैं वह भी धाराएं उस पर लगा दी जाती हैं। तो हमें महामारी अधिनियम में जो धाराएं हैं उनसे, उनके उल्लंघन से बचना चाहिए। 188 यानी किसी लोक सेवक द्वारा अगर कोई आदेश दिए गए हैं उसका हमें कंप्लायंस करना चाहिए और किसी लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश का कोई अधीनस्थ कर्मचारी, उनका कोई भी लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी उसका अनुपालन करा रहा हो तो उसको हमें अनुपालन करना चाहिए, उन्हें सहयोग देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कोई जानकारी हो तो कमेंट करें।